नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर में हम लॉर्ड डलहौजी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके कार्यकाल के बारे में, जितने इम्पोर्टेंट इवेंट्स में, सबको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से 1849 के बीच हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ था और जो है कोहिनूर हुडा, प्रसिद्ध कोहिनूर हुडा, महारानी विक्टोरिया को इसी वक्त भेंट किया गया था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला जो था रामनगर का युद्ध था, दूसरा चिलिया वाला युद्ध था और तीसरा जो है गुजरात नामक स्थान पर लड़ा गया था। इसके बाद द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध, जो कि 1852 में लड़ा गया था, इसके अंतर्गत लोअर बर्मा को और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसे 1850 में उसे अधिकार पर ले लिया था। डलहौजी का शासनकाल उसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए जो राज्य थे, सबसे पहला सतारा था, जो कि 1848 में शामिल किया गया था, फिर जैतपुर और संबलपुर उड़ीसा में 1849 में, फिर बघाट हिमाचल प्रदेश में 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में शामिल कर लिया गया था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। उस वक्त जो अवध के नवाब थे वह थे वाजिद अली शाह। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड्स डिस्पैच को लागू किया, जिसके अनुसार जिलों में जो है एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स को स्थापित करना था। प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों और 1857 में जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, उनमें एक एक विश्वविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच रेल चलाई गई थी। पोस्टेज स्टाम्प की अगर बात करें तो 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ था। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने शिमला को समर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया था। सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को क्या किया था, कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर किया और सेना का मुख्यालय भी जो है उसे शिमला में स्थापित कर दिया था। सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से जो है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्या किया गया था, उसमें एज कम कर दी गई थी, 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। भारत की तरफ से सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 में, यहाँ याद रखने वाली बात है, 1922 से जो है भारत में और लंदन दोनों जगह एक साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद डलहौजी ने नर बलि प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया था। आशा करते हैं आपको यह पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।